शहर वाराणसी। जिसका प्राचीन नाम काशी। समय और परिवर्तन के तमाम थपेड़ों के बावजूद ये अपनी पुरानी विरासत सजोए हुए है। मीठी भाषा के लिए विख्यात इस शहर के लोगों के बोलचाल में गालियों का तड़का इसकी मिठास को और बढ़ाने का कार्य करता है। ये कहानी एक क्षेत्र के 1990 के दशक की है। किसी समय में स्वर्गीय छत्रपाल सिंह का बड़ा नाम था, जिनके दो बेटे, बड़ा अमरपाल सिंह और छोटा समरपाल सिंह। समरपाल इलाके का दबंग भू माफिया है, जिसका सपना और मकसद इलाके में साम दाम दंड भेद किसी भी तरह अपनी जमीन बढ़ाते हुए अपनी ताकत बढ़ाना है। तो अमरपाल एक नाकारा इंसान होता है जो समरपाल के दम पर अपनी भोकाल बनाता रहता है। मालिक, ये भगतवा है ना, हमरे खेत में जाए का रास्ता नहीं दे रहा मालिक, और धीरे धीरे हमरे खेत में कब्जा करके अपने खेत में मिलाता जा रहा है मालिक। नहीं मालिक, ये हरिया झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं मालिक, मालिक आप ही न्याय करिए, हम अपने खेत में रास्ता कहाँ देते इसको। ए चुप मालिक, ये भगतवा ना बहुत हरामी है। भगतवा तू तो चुप कर, सब खबर है। क्यों मालिक को सब पता है, तू क्या समझता है? नहीं मालिक, इसका बात मत मानिएगा मालिक, मालिक ये झूठ बोल रहा है। नहीं मालिक, बगल वाले पंडित जी के चढ़ावे में बोल रहा है मालिक। भगतवा खड़ा हो, खड़ा हो। जितना भी खेत कब्जा किया ना सर, वापस कर दे। मालिक, चक्करधारी बावड़ही के का कर रहा है? कुछ नहीं, वो भगतवा और हरिया मालिक से मिलने आए थे। ये तो हमको बताएगा, बाग बावसड़ी के गांडू, हमको सब पता है। मालिक, आपको सब पता है मालिक? हमको सब पता है, तो हर जमीन पर ही कब्जा कर रहा है और तू एकर जोरू पर कब्जा कर रहा है। सारा एक तरफ जोरू और दूसरी तरफ जमीन। चल कोई बात नहीं, हम एक रास्ता निकाल लिए। भगतवा से इसकी बीवी नहीं संभल रही है, अत्तोरा से तो हर जमीन। अब तो अपनी जमीन हमारे हवाले कर दे। लेकिन मालिक, फिर वही बात, पैसा देंगे ना रे तोरा, फिर देखते हैं। ये तोहर जमीन पर कब्जा करेगा कि एकर जमीन पर कब्जा होगा। ठीक है मालिक। चल भाग यहां से।
कहाँ चला गया था रे? कहाँ चला गया था? हैं? वो भैया जी का फैसला सुन रहा था। उन्होंने आपका फैसला भी पलट दिया और हरिया की जमीन भी ले ली। जाने दे, छोटे तो जमीन सुन सुन कर निकाल लेता है। चल मार्केट चल, कलम कुटती चले। पाए लागू मालिक, पाए लागू। अरे पलटू राम, अरे तुम होने वाले सरपंच हो, आओ कुर्सी पर बैठो। अरे नहीं मालिक। अरे बैठो बैठो बैठो। हमको बहुत खुशी है कि इस बार हमारी पंचायत सीट STSC के लिए रिजर्व हो गई है। जी। हम तो तहे दिल से यही चाहते हैं कि तुम ही सरपंच बनो। बस मालिक, आपका आशीर्वाद चाहिए मालिक। पैसा वैसा का इंतजाम है ना ठीक से? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ शिव प्रसादवा लड़ रहा है। अब बोला था कि पूरा तगड़ा पैसा लेके बैठा हुआ है। उसीलिए तो हम आए हैं मालिक। हमारे पास पैसा कहाँ है? बस बस थोड़ा बहुत जमीन है मालिक। हाँ जमीन है ना तो काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मालिक। अरे फिर लेकिन वेकिन छोड़ो, अभी देखो क्या है, जमीन तो वहीं रहेगी। हाँ भाग के जाने वाली है नहीं, खाली हमारे नाम हो जाएगी। तो क्या है, तुम सरपंच बनोगे तो वापस ले लेना। ठीक है मालिक। है ना, तो एक काम करो, शंभुआ से मिल लो, वो करवा देगा, है ना? जी मालिक। कारे संभुआ, ये गोली किसके खेत में गिरी होगी? मालिक राइफल है ना, इसकी रेंज बहुत लंबी होती है, पता नहीं किसके खेत में गिरी होगी। हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ खड़ा होकर रॉकेट लॉन्चर भी दाग दें तो रॉकेट हमारे ही जमीन में गिरना चाहिए। मतलब सब भैया जी की जमीन। यहाँ से ये तरफ हमारा और वो तरफ तुम्हारा। अज्जू इधर का तो हमारा हो गया, अब अगर हमको उधर का लेना हो ये बंदूक से ले लेंगे। ये बंदूक से का है? जब ये हमारा है तो हमारा है, इसका मालिक तो मैं हूँ ना। अरे पगले, जिसमें ताकत होती है ना वही जमीन का मालिक है। अच्छा तो आ जाओ, दिखाओ अपनी ताकत। क्या लड़ रहा है मालिक के साथ? अरे नहीं चाचा, लड़ नहीं रहे थे, जमीन जमीन खेल रहे थे। जमीन जमीन बड़ों का खेल होता है, बच्चों का नहीं। हाँ कोई और खेल खेलिए। लड़ना मत, खेलो कोई और खेल। अब क्या खेले, चल मार। मालिक इस बार गेहूं की खेती अच्छी नहीं हुई है। दिख तो अच्छी रही है। दाना नहीं है उसमें लेकिन। ए जो बाबू रुक! नालायक कहीं का, क्या कर रहा था? ये छोटे मालिक है। मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं। अब जाइए। पहले बबलू ने हमारे पर निशाना लगाया था, अब हमारी बारी थी। उनकी बात छोड़,
वो मालिक है, हम नौकर हैं, वो ठाकुर है और हम, या तो हम छोटे हैं उनसे, तू उनकी बराबरी करेगा? चल 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 जा यहां से। लागे मालिक। अरे शिव प्रसाद, अरे वहाँ नहीं नहीं यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे मालिक, हम आपके बराबर में कैसे बैठ सकते हैं? आप ठाकुर हैं और हम चमार। अरे किस जमाने में जी रहे हो, आज तो लोकतंत्र है ना, भूल गए का? जिसके पास पावर है वही बड़ा है, और तुम तो होने वाले सरपंच हो। चलो चलो आप यहाँ बैठो और आज हमारे साथ एक घूंट लगाओ। जी मालिक। आओ, शर्माओ नहीं। अरे थोड़ा पानी तो मिला लेते। अरे नहीं मालिक, अंग्रेजी का मजा चला जाएगा। अच्छा शिव प्रसाद, कल को अगर तुम सरपंच बन गए तो क्या तुमको कोई चमार बोल सकता है? देखो हम तो चाहते हैं कि तुम इलेक्शन खुल के लड़ो। पलटुआ आया था, अभी से खुद को सरपंच समझ रहा है। मालूम है मालिक, जब से आप उसको पैसा दिए हैं बहुत उड़ने लगा है। तुम तो जानते हो शिव प्रसाद की हमारे दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता है, तुम भी नहीं जाओगे। कोई जरूरत है तो बता दो, चुनाव अगर लड़ोगे तो सिर्फ जीतने के लिए। बस मालिक, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, उसके बाद आप जान भी मांगेंगे तो हम दे देंगे। अरे तबा तबा, तुम सरपंच हो, तुम्हारी जान लेके हम पाप लेंगे? कैसी बात कर रहे हो? नहर के बगल वाला जमीन है ना, वो रखवा दो हमारे नाम। अरे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, सरपंच बनते ही वापस ले लेना, वैसा 10 जमीन ले लेना, क्या दिक्कत है? भरोसा नहीं है का? ठीक है, दीजिए उनको। मारिए सुट्टा। मारिए तो सही, तब तक मैं। जल गया क्या? आंख बंद कर लो, भगवान का नाम लो। बाबा। कौन से बाबा? बाबा विश्वनाथ। हाँ तो वैसे बोलो ना। ठीक है।
ले लो। और देंगे, रख लो। ठीक है मालिक, चले। ठीक है। अरे संभाल के, ज्यादा हो गया क्या? घर छोड़वा दें? अरे नहीं मालिक, जो आपके बराबर में बैठ के पिए है ना, उसका नशा है। वो भी अंग्रेजी पहली बार लिए है ना। अच्छा तो चलते हैं मालिक, प्रणाम। संभाल के। मालिक, एक बात हमको समझ में नहीं आई कि आप शिव प्रसादवा के साथ हैं या पलटुआ के साथ हैं। हम किसी के साथ नहीं हैं शंभो। तो अपने आप के साथ हैं। ऐसा कहते हैं पर होता कुछ नहीं है। आज बात कुछ अलग है। कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। मैं बच्चों को देख के आती हूँ। विक्रम, क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? मुझे साइकिल चाहिए, मैंने पापा से कहा था, उन्होंने मुझे डांट दिया। ओ, साइकिल नहीं दिलाई? मेरा बच्चा, मैं दिलाऊंगी तुम्हें साइकिल, ठीक है? चलो सो जा। आप दिलाओगे मुझे साइकिल? तुम्हारी साइकिल तुम्हारे चाचा जी दिलाएंगे मेरे प्यारे बेटे। सो जाओ। कल सुबह तक तुम्हारी साइकिल तुम्हारे पास होगी। ठीक है।
बापू, क्या ठाकुर हमसे बड़े होते हैं? बेटा तू अभी तक सोया नहीं, और दिन की बात तू अभी तक भूला नहीं। हमको बताओ बापू, बबलू में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तू तो मेरा हीरा बेटा है, हीरा। सो जा, ठीक है? नहीं बापू, आपने सुबह कहा था ठाकुर हमसे बड़े होते हैं। हाँ बेटा, मैंने कहा था, पर क्या करें, समाज ही ऐसा है। ठाकुर ऊंची जाति के होते हैं, और बबलू बाबा का जन्म ऊंची जाति में हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, तू तो मेरा हीरा बेटा है, हीरा। बहुत रात हो गई है, अब तू सो जा, कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, सो जा। बड़ा करूंगा कि लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे, जात से नहीं।